सपा नेता रमाकांत यादव के नवीन मुंबई आगमन पर हिंदी भाषियों ने किया सत्कार, उत्तर भारतीयों से एकजुट रहने और मोदी सरकार को हटाने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव मुंबई प्रवास पर हैं और उत्तर भारतीयों से लगातार मुलाकात कर उनकी समस्या सुन रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने नई मुंबई के कलम्बोली में सैकड़ों हिंदी भाषियों से मुलाकात की। इस अवसर पर हिंदी भाषी नेता एवं पनवेल एनसीपी के जिला उपाध्यक्ष आर्यन यादव एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा सपा नेता को शाल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। अपने विचार व्यक्त करते हुए सपा नेता रमाकांत यादव ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कराने में अहम भूमिका निभाने वाले हिंदी भाषियों को धन्यवाद दिया और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी सरकार को किसानों नौजवानों की विरोधी बताते हुए सत्ता से हटाने का आह्वान किया। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो बीजेपी जैसी जो किसानों नौजवानों की विरोधी है उनको हटा करके एक अच्छी सरकार देने का काम किया है। मैं उसके लिए महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की जनता को हमने धन्यवाद दिया, बधाई दिया है और महाराष्ट्र की जनता से चाहेंगे, अनुरोध करते हैं भविष्य में अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए यहाँ का नौजवान खड़ा हो। जो आज भी कुछ चंद लोग गुलाम बना के रखे हैं तो गुलामी की बेड़ी को तोड़ें और एक अच्छी सरकार बनाने का काम करें केंद्र में ना। उत्तर भारत के लोग तो मेरे परिवार के हैं, खैर परिवार पूरा देश है, और उत्तर भारत के लोग निश्चित रूप से जो केंद्र की सरकार है और यहाँ पर इसके पहले जो सरकार थी उसको हटाने में, एक अच्छी सरकार देने में उत्तर भारतीयों का बहुत अच्छा योगदान था और मैं समझता हूँ आगे भी रहेगा। हम सभी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं और समाजवादी विचारधारा की सरकार को बनाने का भी काम करेंगे यहाँ के लोग। सपा नेता के नई मुंबई आगमन पर यहाँ तमाम उत्तर भारतीयों ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर हिंदी भाषी नेता आर्यन यादव ने कहा कि समाजवादी नेता के आने से हमारा हौसला बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे ऐसे ही मुंबई आते रहेंगे और हिंदी भाषियों को अपना स्नेह और मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमारे समाज के बहुत ही श्रद्धेय श्री रमाकांत यादव जी यहाँ पधारे हैं। मेरा परंपरा और संस्कृति यही कहती है कि जब हमारे बहुत ही श्रद्धेय और सम्मानित व्यक्ति आए तो हम उनका सम्मान करें। इसी प्रक्रिया में हम उनका सम्मान किए और हम सब लोग मिल करके उनको सम्मानित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब उनको मौका मिले महाराष्ट्र में आएं और हमें सम्मान करने का मौका दें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।